Hi everyone, we are in Yatharth Hospital. As you all know, it is one of the tertiary care centers located in the heart of Noida, along with the four branches across India. In cardiology and intervention, we are with the under the leadership of Dr. Pankaj Ranjan, the senior consultant and head of department cardiology. We at Yatharth Hospital provide one of the best cardiac services and treatment. We are doing the all high-end cardiac procedures. We are providing the 24/7 emergency services. Our USP is 24/7 available of emergency or life-saving cardiac intervention. It's our pleasure to meeting with Mr. Dr. Ranjan, as he has a vast experience of more than 20 years and having a experience around 10,000 plus cases in cardiac intervention. He has authored a number of cardiac books and has a scientific publication under his name. So let us know what he has to say and how about what's the treatment. Kindly please provide the information to us. So sir, my question is that we are seeing today that many youngsters have heart attack issues day by day. Many young generation is affected by this. काफी सारे सेलिब्रिटीज को भी देखा जा रहा है कि आजकल हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है. अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि नोएडा में एक लड़का है जो फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है और उसके खेलते खेलते डेथ हो गई. तो सर, इसका क्या प्रिवलेंस रेट है हमारी पॉपुलेशन में? देखिए, ऐसा है ना कि हमारे इंडिया में जो हर साल 5 लाख लोग सडन कार्डियक डेथ से मरते हैं एवरी ईयर्स, ये बहुत बड़ा नंबर है. हमारा कंट्री बड़ा बहुत है, लेकिन उसके हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है 5 लाख. और देखा जाए तो दुनिया का 50% हार्ट पेशेंट जो है हमारे हिंदुस्तान में, अगर जबकि हमारा पॉपुलेशन जो है 20% भी नहीं है, लेकिन 50% जो हार्ट पेशेंट्स हैं हमारे देश में. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो हार्ट डिजीज होती है बहुत यंग एज में होती है, जो हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं उससे 10 साल पहले होती है. तो सोचिए क्या हालत होगा कि 10 इंडिया में 50 साल से कम के लोग जो हैं 50% हार्ट पेशेंट जो 50 साल से कम के लोग हैं, और 25% लोग हैं जो कि जिनकी 40 से भी कम है. तो इसका मतलब क्या है कि इसका अगर 40 साल का आदमी को अगर हार्ट की दिक्कत होती है, उसकी डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली, तो उसका फैमिली पूरा सफ़र करता है. तो इंसिडेंस तो अगर देखा है तो एक तरह से बहुत एपिडेमिक है हार्ट डिजीज़ का हिंदुस्तान में. और अगर आप डाटा वाइज जाइए तो जो डिफरेंट स्टडीज़ है उसमें हर 1000 में 10 आदमी को हार्ट का पेशेंट है, हर 1000 में 10 आदमी जो है हार्ट का मरीज है. तो सर, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट जो है वो रिस्क, हाई रिस्क फैक्टर में है? देखिए, हार्ट डिजीज़ ऐसे तो बीइंग एन इंडियन, कोई हिंदुस्तानी है तो उसको हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होगा. मे बी हम लोग का कुछ हमारा लाइफ स्टाइल, कुछ पॉल्यूशन एक फैक्टर है. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हेल्प करेगा हाई रिस्क कैटेगरी को बचाने में, वो पहला हमारा फैमिली हिस्ट्री. अगर किसी को मदर एंड किसी के मदर एंड फादर दोनों को हार्ट की बीमारी हुई है कम एज में, लेट से 50 में, 55 में, 60 में अगर हुई है, तो उस आदमी को हार्ट डिजीज होने की संभावना 50% से भी ज़्यादा है. तो अगर पहला रिस्क फैक्टर है कि फैमिली हिस्ट्री, अगर घर में किसी में मदर या फादर को अगर हार्ट की दिक्कत है और मदर, तो आपका चांस बढ़ जाता है. अगर मदर फादर दोनों को है तो मोर देन 50% चांस है कि आपको भी हार्ट डिजीज होगा. दूसरा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़, तीसरा है ब्लड प्रेशर. और अगर और इस तरह बात करते जाए तो इंडिया में बहुत लोग स्मोक करते हैं, एक स्मोकिंग भी रिस्क फैक्टर है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर पहले लोग सारा काम सारा काम करते थे कि भाई चल हर काम में एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, आजकल लोग मोहल्ले के शॉप में भी जाते हैं तो कार से जाते हैं, तो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. और जो दबे हुए हमारे मतलब दबे हुए तरीके से हमारे हार्ट डिस्क बढ़ा रहा है, वो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस. सब लोग एक दौड़ में, सब कोई ना कोई दौड़ रहा है, कुछ अर्जेंसी है सबको, वो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है जो कि हार्ट के डिजीज़ को बढ़ाता है और खास करके एक्यूट हार्ट अटैक को बढ़ाता है. और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो आजकल के समय आया है कि जो नॉर्थ इंडिया में खास करके ज़्यादा है, वो है पॉल्यूशन. तो जिस इतना सीवियर पॉल्यूशन है आजकल, भी एक फैक्टर है जिस जो कि हार्ट डिजीज को बढ़ावा दे रहा है. तो सर, हमें क्या करना चाहिए, इन सारे हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें कैसे बचना चाहिए, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे ताकि लोग अपनी जो जनरल लाइफ स्टाइल है, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उसमें मेंटेन कर पाए. सो वी कैन रिड्यूस, मतलब इट विल बी हेल्प टू रिड्यूस दोस फैक्टर्स. देखिए, ऐसा है ना कि दो तरह से रिस्क फैक्टर है, एक तो होता है मॉडिफाइबल, एक तो नॉन मॉडिफाइबल. तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर से कुछ नहीं कर सकते, जैसे फैमिली हिस्ट्री क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. इफ यू हैव फैमिली ऑफ हार्ट डिजीज देन यू कैन हेल्प इट. बट देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स व्हिच कैन बी मॉडिफाइड. अब जैसे है कि अगर आप
आपको पहले तो पहला है कि आप तो चेक करवाएं कि आपका आपके नंबर्स क्या है। नंबर्स मतलब आपका बीपी कैसा है, आपका ब्लड शुगर लेवल कैसा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है। ये तो नंबर्स में आ गए। कुछ चीज़ है जो कि नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, लाइक कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं, आप टाइमली सो पाते हैं कि नहीं, आपका कितना नींद डिस्टर्ब होता है, ये सारे जो सब्जेक्टिव पैरामीटर्स, इसको भी आप ध्यान इस पर भी ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि इन सब में कुछ भी है ऐसा जो कि आपके हार्ट डिजीज को प्रमोट करता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि उसको हम कैसे कम करें। आप कम करने के लिए आप अगर आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो आपको क्या करना है, आप अपने अपना लाइफ स्टाइल को थोड़ा एक्टिव बनाइए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा काम हम ज़्यादा ज़्यादा हम चलना शुरू करें। कहीं मोहल्ले का शॉप में अगर जा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कार से जाएं, थोड़ा पैदल चलें। और इंश्योर कीजिए कि रोज़ कम से कम आधा घंटा या कम से कम 30-40 मिनट रोज़ ब्रिस्क वॉकिंग करें, एक डेडिकेटेड ब्रिस्क वॉकिंग। जैसे बहुत लोग आते हैं वो कहते हैं कि सर मैं तो दिन भर काम करती रहती हूँ, मेरा घर बच्चा छोटा है, मैं तो दिन भर काम करती रहती हूँ, मैं तो खाना बनाती हूँ, मैं तो कपड़े धोती हूँ, तो मेरे क्यों, मैं तो मेरा तो बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल है। तो लेकिन ये नहीं, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपका हार्ट रेट बढ़े, तभी तो उसको कहते हैं कार्डियो। तो आपको हार्ट रेट बढ़ाना, तो ये डेडिकेटेड ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग कुछ भी आप करें वो हमेशा ज़्यादा बेटर होगा, रादर देन कि मैं कपड़े धो लेती हूँ या कुछ काम घर में खाना बना लेती हूँ। तो ये ध्यान रखना कि आपको एक जनरल लाइफ स्टाइल को आप सेडेंटरी से हटाइए, आप एक्टिव लाइफ स्टाइल लीड कीजिए, और जहाँ तक हो पॉसिबल सप्ताह में 5 दिन एटलीस्ट 5 डेज 30-40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करें, तो सबसे आसान है, आज कोई भी कर सकता है। तो सर क्या ओबेसिटी भी इसका कोई कारण हो सकता है? ओबेसिटी एक कहावत है कि ओबेसिटी रन्स इन फैमिलीज, वाई बिकॉज नोबडी रन्स इन फैमिली। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ओबेसिटी कहीं ना कहीं कैलोरी का मिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, तभी तो ओबेसिटी है। आपको अगर एक सिंपलेस्ट तरीका है जानने का कि अगर आप ओबीज हैं कि नहीं, आप क्या करें, आप BMI देखें, बॉडी मास इंडेक्स, अगर ये 25 से ज़्यादा है तो आप ओबीज हैं। तो आपको कोशिश करना है कि कैसे ओबेसिटी कम कर सकते हैं। ओबेसिटी कम करने के लिए क्या करना है आपको, पहला कि एक्टिव रहिए, खाने पीने का पैटर्न चेंज कर दीजिए। खाने में जो आप जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं 50% जो मील होता है, ट्राई करें कि उसमें वेजिटेबल्स हो, फाइबर्स हो या फ्रूट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने पीने का पैटर्न चेंज करना और एक्टिविटी लाना। तो इन सब ये सब बहुत सटल फैक्टर्स हैं जिन पे अगर ध्यान दें तो ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम आजकल देखते हैं यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ बढ़ रही है। नहीं, फास्ट फूड तो बहुत ग्लोरियसली प्रेजेंटेड है, और लेकिन एक्चुअली हमारा जो एंशियंट कल्चर था उसमें फास्ट फूड का कोई, हमारे यहाँ पहले के लोग रात का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, लेकिन आजकल तो लोग 2 महीना पुराना पैक्ड फूड भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराना फूड है या जंक फूड है या फास्ट फूड है जो कि फुल ऑफ कैलोरीज है, फुल ऑफ एडिटिव्स है, उसको तो अवॉइड करना चाहिए। वो तो केवल हार्ट के लिए नहीं, बाकी सारी बीमारी के लिए, हार्ट के लिए, कैंसर के लिए, ब्रेन के लिए, सब चीज़ के लिए वो सबको ही बुरी तरह से अफेक्ट करता है। तो फास्ट फूड शुड बी रिप्लेस्ड, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि इसमें इतना बड़ा मार्केट इन्वॉल्व है, इसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने आप को रिस्ट्रेन करना हमेशा हेल्पफुल है। अच्छा सर, मेरे क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे नॉर्मल पीपल में अवेयरनेस नहीं है, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमें कार्डियक के सिम्टम्स आ रहे हैं? कार्डिक सिम्टम, हाँ, आजकल ये भी है कि लोग जब भी देखते हैं कोई मीडिया, कभी फेसबुक में, टीवी में देखे कि हाँ सडनली कोई आदमी खेलते खेलते गिर गया, मर गया, चाहे बारात में नाच रहा है, गिर गया। वैसे सब लोग, मेरे ख्याल से सब लोग ऐसा वीडियो देखे हैं जिसमें अचानक आदमी एक्टिव, फुल्ली एक्टिव था और फिर अचानक गिर के मर गया। तो बहुत पैनिक भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है हर जगह। तो एक बेसिक तरीका है जिससे आप कह सकते हैं कि कैसे आप हार्ट डिजीज का सिम्टम को पहचाने। तो नॉर्मली हार्ट डिजीज का सिम्टम क्या होता है? चेस्ट पेन, छाती में भारीपन, छाती में दर्द, घबराहट, सांस फूलना, पसीने आना। अगर छाती में दर्द ऐसा है जिसको आप लोकेट नहीं कर सकते हैं, लाइक कंस्ट्रिक्टिंग चेस्ट पेन हो रहा है, लगता है कोई दबा रहा है आपको, या सांस फूल रहा है, या पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, और ये ऐसा अक्सर होता है जब आप चलते हैं, तब ये आप मान सकते हैं कि हो सकता है ये हार्ट का है और इसको इवेल्यूशन की जरूरत है। लेकिन कोई ऐसा छाती में दर्द हो रहा है जिसको आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ चेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर इसका कोई रिलेशन है एक्जर्शन से नहीं है, या छूने से अगर चेस्ट पेन हो रहा है दबाते हैं उस जगह को, टेंडर है, मतलब दर्द होता है, तो ये अनलाइकली है कि इसको हम लोग एटिपिकल चेस्ट पेन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये नॉर्मली हार्ट के नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, वो भी छाती में दर्द जो कि आपको कंस्ट्रिक्टिंग चेस्ट पेन एसोसिएटेड स्वेटिंग और ब्रेथलेसनेस और घबराहट और विच इंक्रीजेज ऑन मूवमेंट लाइक वॉकिंग, तो ये एक आपको क्लू दे सकता है कि आपको ये हार्ट की बीमारी है। और एक और चीज़ है जो कि मैं चाहूँगा कि इसके नोटिस में आए, गैस का। सब लोग बोलते हैं मेरे को गैस बहुत होती है, गैस बहुत होती है। अगर आपको गैस बहुत होती है तो ये हो सकता है कि एक दबा हुआ सिम्टम हो हार्ट पेशेंट का, मतलब हार्ट डिजीज़ का। तो इसके लिए अगर आपको भी सफ़र करते हैं, आप
अगर आप गैस के सिम्टम्स अगर सफ़र कर रहे हैं और आपके आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, अगर नहीं भी हैं और 35-40 प्लस हैं, तो आप जरूर एक ECG कराएं और एक किसी फिजिशियन को जरूर कंसल्ट करें टू रूल इट आउट कि ये हार्ट का पेन या हार्ट का सिम्टम नहीं है। सर अगर कोई पेशेंट है जो कोई पर्सन है जो घर पर है उसको फील हो रहा है कि उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या हम इमीडिएट प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखिए अगर सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ हार्ट है, मतलब छाती में दर्द हो रहा है जो कि घबराहट के साथ है, लग रहा है कोई छाती में दबा रहा है, कॉन्स्टिटी चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, इससे कोई कारण नहीं है, सांस फूल रहे हैं, और अगर हाई रिस्क कैटेगरी में है तो एक काम जो तुरंत कर सकते हैं वो कि एस्पिरिन की गोली बहुत इजीली अवेलेबल है, 50 पैसे की भी नहीं होती, शायद उससे भी कम होती है, एस्पिरिन की गोली तुरंत उनको चबाना है। एस्पिरिन के बाद भी आप सोचिए क्योंकि हार्ट का हो सकता है कि एस्पिरिन खाने के बाद थोड़ा सा आपको आराम मिले, लेकिन आपको फिर भी इग्नोर नहीं करना है, तुरंत किसी सेंटर में जाना है जहाँ पर आपको ECG हो सके। आप यथार्थ का हमारे यहाँ पूरे NCR में एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल है जो कि आपके यहाँ आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुँच जाएगी, वो सर्विस अवेल कर सकते हैं, लेकिन मेन ये है कि आपका ECG होना चाहिए। अगर आपको सिम्टम में आराम भी मिल गया है तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, ECG इमीडिएटली होना चाहिए, और कोशिश करिए कि ऐसे जगह जाए जहाँ, जैसे कि अगर आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको छाती में दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है या कुछ हार्ट सिम्टम्स हैं, तो आप सस्पेक्ट करें कि हो सकता है कि हार्ट अटैक हो, इसका इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, टाइम इज मसल, ये एक सेइंग है, टाइम इज, जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा हम हार्ट मसल बचेगा और ये लाइफ सेविंग होता है। अगर हार्ट अटैक का मरीज को 3 घंटे के अंदर पूरी ट्रीटमेंट मिल जाए, सही ट्रीटमेंट मिल जाए, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। यहीं पे एक कैच है कि आपको ऐसे अस्पताल में जाना है जहाँ पे ECG हो जाए, और ECG नहीं, ECG के बाद जो अगर हार्ट अटैक का इलाज है, जो इसका इलाज होता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, ये हार्ट अटैक का अमूमन कारण ये होता है कि कोई एक नस है जो एक या दो नस जो है पूरी बंद हो जाती है, 100% बंद होती है, तो उसको खोलना ये इसका इलाज है। तो ये खोलें कैसे, इसको पहले ECG से बचाना जाता है और फिर इसको इमीडिएटली पेशेंट को कैथ लैब में शिफ्ट करते हैं जहाँ पे जो चेक करते हैं, एक तरह से एक एक्सरे है, स्पेशलाइज्ड एक्सरे है, इसमें पेशेंट को कैथ लैब में ले जाते हैं और वहाँ पे पेशेंट का हार्ट की आर्टरीज हार्ट की जो धमनियाँ उसे चेक करते हैं, और जो 100% बंद होता है या 99% बंद होता है उसको तुरंत इमीडिएटली खोल देते हैं। ये प्रोसेस जो है इसको जितना शॉर्टन किया जाए अच्छा है। तो हमेशा ऐसी जगह आप जाइए, किसी ऐसे अस्पताल में जाइए जहाँ पे कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, और हमारा ऐसा इंडिया में एक ऐसा टैलेंट पूल है कि ऐसा इंडिया में कोई भी जगह नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप आराम से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जाइएगा तो वहाँ कोई ना कोई कैथ लैब आजकल आ रहा है और आ जाता है। तो आप ऐसा किसी सर्विस को ऐसे किसी अस्पताल में जाइए जहाँ पे कैथ लैब हो, जहाँ इमीडिएटली आपको जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हार्ट अटैक का है वो अवेलेबल हो जाए। हमारे यथार्थ में 24/7 चारों सेंटर में हमारे ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होता है जो कि हार्ट अटैक का जो वर्ल्ड का जो बेस्ट इलाज है और जो वो पॉसिबल है, तो आप इसको सर्विस का अवेल कर सकते हैं। जो अब तक जो हम बात करें तो नॉर्मली बात कर रहे थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिसमें हार्ट अटैक होता है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत दिक्कत है। एक होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसमें हार्ट अटैक होता है, एक तो हुआ हार्ट अटैक जिसमें पेशेंट हार्ट अटैक हुआ, दूसरा है पेशेंट को होता है क्रोनिक स्टेबल एंजाइना कि पेशेंट को है बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जैसे ही एक्सर्ट करता है तो छाती में दर्द होता है या हार्ट के अदर सिम्टम्स होते हैं। तो ये तो हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अदरवाइज उनको हार्ट अटैक भी कहते हैं। दूसरा है रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये नॉर्मली बच्चों को कम एज में होता है, उसमें हार्ट के वाल्व्स इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा है कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिसमें बच्चा जन्मजात एक ऐसे रोग से सफर करता है जिसमें हार्ट के में सुराख है या वाल्व छोटा है, ऐसी बीमारी होती है। और चौथा जो सबसे रेयर ग्रुप है जो सबसे अनकॉमन ग्रुप है उसमें होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोपैथी। ये सारे उतना अगर देखा जाए पॉपुलेशन वाइज इतना ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इंडिविजुअली बहुत सिग्निफिकेंट है और इसको भी हाईएस्ट एंड ऑफ केयर चाहिए, लेकिन जब हम पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ही एक मेन है जहाँ पे इंटरवीन करने से सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड फॉर द जनरल अवेयरनेस ऑफ द पीपल। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल पीपल्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एट होम। It will be helpful to reduce the risk factors of heart disease. And thanks for your information. And please kindly like and subscribe our videos. Thank you for watching the video. Thank you all.